फिर इंडियन रेल ट्रैवल यात्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रेल से जुड़ी मैं न्यू वीडियो जब भी डालूँ सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस के बारे में, जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा से बिहार के जमालपुर के बीच में चलते हैं। इस ट्रेन के नंबर है आप 13071-13072। जमालपुर सुपर एक्सप्रेस जो हफ्तों में सातों दिन चलती है। इस ट्रेन की कोच के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एंड जनरल डब्बे भी शामिल है। इस ट्रेन के स्टेशन के बारे में बात करें तो हावड़ा से जमालपुर तक टोटल 21 स्टेशन है। हावड़ा से जमालपुर के डिस्टेंस है 472 किलोमीटर, जो 9 घंटा 35 मिनट पे कवर करती है। इस ट्रेन के स्पीड के बारे में बात करें तो 47 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन में पेंटी कार नॉट अवेलेबल है। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे हावड़ा से जमालपुर तक कौन कौन स्टेशन आते हैं। हावड़ा जमालपुर सुपर एक्सप्रेस जो हावड़ा में रात के 9:35 में 13 नंबर प्लेटफॉर्म से यात्रा शुरू करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन बर्दवान जंक्शन में रात के 10:45 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 10:50 पर रवाना हो जाती है। यहां पे 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन बोलपुर शांति निकेतन में रात के 11:41 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 11:46 पर रवाना हो जाती है। यहां पे 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद साइंथिया जंक्शन में रात के 12:11 में पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में और 12:13 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद रामपुरहाट जंक्शन में रात के 12:47 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचती है और 12:49 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुरारई जंक्शन में रात के 1:15 में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 1:17 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पाकुर जंक्शन में रात के 1:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुँचती है और 1:38 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बहरवा जंक्शन में रात के 2:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुँचती है और 2:35 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद तीन पहाड़ जंक्शन में रात के 2:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुँचती है और 2:51 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद साहिबगंज जंक्शन में सुबह के 3:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचती है और 3:40 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 7 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन मिर्जा चौकी में सुबह के 3:56 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 3:57 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पीरपैंती में सुबह के 4:08 पर पहुँचती है और 4:09 में रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद शिवनारायणपुर में 4:21 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 में पहुँचती है और 4:22 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद कहलगांव में 4:38 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुँचती है और 4:39 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन एक चारी जंक्शन में सुबह के 4:46 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 4:47 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद घोघा जंक्शन में सुबह के 4:57 पर पहुंचती है और 4:58 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन भागलपुर जंक्शन में सुबह के 5:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है और 4:50 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अकबरनगर जंक्शन में सुबह के 6:09 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचती है और 6:10 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन सुल्तानगंज जंक्शन में सुबह के 6:22 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचती है और 6:23 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है बरियारपुर। यहाँ पे सुबह के 6:44 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचती है
और 6:45 पर रवाना हो जाती है। यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप। उसके बाद जमालपुर जंक्शन में सुबह के 7:25 पर 1, 2 या 3 में यात्रा समाप्त कर लेती है जमालपुर सुपर एक्सप्रेस। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं आपके फेवरेट ट्रेन में वीडियो बनूँ तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक रेल से जुड़ी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।